नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनवीर। मैं स्वागत कर रहा हूं आप सबका टीवी क्रिएशन का नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वुमन और इंग्लैंड वुमन के अंदर होने वाला जो ICC वुमन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच है दोस्तों, उसके बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें इसमें स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो बिना स्किप करते शुरू से अंत तक देखते रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये जो T10 लीग चल रहा है दोस्तों, ये लीग के सारे मैचेस जो है वो हम लोग ही विन करने वाले हैं। सारे के सारे जो स्मॉल लीग है, तो आप भी हमारे जैसे विन करना चाहते हैं तो ये जो चैनल है, चैनल टीवी क्रिएशन, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बटन आपके वीडियो के नीचे पे है लाल कलर के, उसको दबा देना। उसके हद साथ ऐसे घंटे करके बेल आइकन आएगा दोस्तों, इसको भी दबा देना ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, सिर्फ T10 लीग की ही मैं नहीं जिताऊँगा, उसके बाद जो वुमेंस है, जो और जो सारे मैचेस आ रहे हैं दोस्तों IPL के पहले और IPL भी, वो सारे के सारे मैच मैं जिताने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैं आ गया हूँ जो प्लेयर लिस्ट है उसके अंदर। पहले अगर विकेट कीपर ऑप्शन की बात करें तो LNM जोन्स जो है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है। तनिया भाटिया ग्रैंड लीग के लिए आप लोग जा सकते हैं तनिया भाटिया के साथ, क्योंकि तनिया भाटिया थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं दोस्तों। तो आप लोग ग्रैंड लीग के एक टीम में इसको ज़रूर पिक करना, क्योंकि LNM जोनस जो है ये ओपन करते हैं अगर जल्दी से आउट हो जाए, और इंग्लैंड टीम बहुत ही ज़्यादा रन बनाए जैसे 150 प्लस स्कोर, तो तनिया भाटिया को बैटिंग लगभग आ ही जाएगा। अगर आ जाएगा तो आपके लिए तनिया भाटिया LNM जोनस से ज़्यादा पॉइंट दे सकते दोस्तों, तब तनिया भाटिया बहुत ही शानदार पिक होगा आपके लिए। तो मैं स्मॉल लीग में LNM जोनस के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ओपन करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए बहुत ही शानदार कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन होने वाले हेदर नाइट, जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म पर है दोस्तों। आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, ड्रॉप करना चाहते हो ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि बैट्समैन है, अगर आउट हो जाए तो जल्दी से तो माइनस पॉइंट भी दे सकते हैं। मुझे लगता है ये हेदर नाइट थोड़ा एक दो ओवर बॉलिंग भी करा रहे हैं, अगर एक दो ओवर बॉलिंग करा रहे हैं उसके अंदर एक दो विकेट मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होने वाला है कैप्टन का ऑप्शन में। स्मृति मंदना इस वक्त उतनी अच्छी फॉर्म पे नहीं है, हालांकि ये जो मंदना है ये बहुत ही अच्छे एक प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल की। तब लोग ग्रैंड लीग के एक टीम में इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही शानदार पिक हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन मुझे तो लगता है वंदना जो है ये कल अच्छे खेल नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद बात करें तो जेमर रोड्रिक्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार फॉर्म पे इस वक्त। और ये जो शेफाली वर्मा है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही शानदार और अलग से लेवल की प्लेयर है दोस्तों। ओपन करते हैं और बहुत ही जल्दी से रन बनाते हैं दोस्तों, तो इसलिए शेफाली वर्मा के साथ मैं जा रहा हूँ। और थोड़ा सा नीचे आया तो डेनियल व्हाइट आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं होने वाले, सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए पिक होने वाला है। उसके बाद बात करें तो ये दोनों के प्लेयर जो है दोनों वाले उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर टेमी बेमंड आपके लिए बहुत ही शानदार पिक हो सकते हैं, अगर इसको बैटिंग आ जाए तो आपके लिए 30 से 40 पॉइंट ज़रूर दे सकते हैं, बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो ये सारे के सारे प्लेयर उतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है ऑनलाइन मनी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा दोस्तों, जाके ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है। फ्री में बहुत सारे रुपए अर्न कराने की जो टीम से वो डाल दूंगा, तब लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। जैसे सारे बंदे ने जीत रहे हैं ऐसे ही मैं आप लोगों को जिताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर बात करें तो नतले इसका भी जो है दोस्तों, ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार पिक होने वाला है। नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आते हैं दोस्तों, और बहुत ही सेफ पिक होने वाला है दोस्तों, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर जो इस वक्त बॉलिंग नहीं कर रहे दोस्तों, तो सिर्फ बैटिंग कर रहे और नंबर 4-5 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही अच्छे एक प्लेयर है दीप्ति शर्मा, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है।
दीप्ति शर्मा के साथ आप लोग वाइस कैप्टन कैप्टन के रूप में जा सकते हो। कैटराइन ब्रांड जो है दोस्तों, इसके साथ आप लोग सिर्फ एक बॉलिंग के हिसाब से जाना, क्योंकि बैटिंग आना इसको बहुत ही मुश्किल है। लो ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो ये दोनों के दोनों प्लेयर जो है अच्छे प्लेयर नहीं है, तो बिल्कुल पिक मत करना। तो ये हो गया बात। उसके बाद मैं बॉलर की बात करें तो पूनम यादव आपके लिए बहुत ही शानदार और सेफ एक पिक होने वाला है। ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के ऑप्शन भी होने वाला है दोस्तों। ये तीनों के तीनों वालों बॉलर जो है, ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार पिक होने वाला है ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म पे है। और ये जो राजेश्वरी गायकवाड़ है दोस्तों, ये भी आपके लिए एक शानदार पिक होने वाला है। आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं इधर से शिखा पांडे के साथ जा रहा हूँ ग्रैंड लीग के लिए। आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है राजेश्वरी गायकवाड़। उसके बाद अगर बात करें तो राधा यादव आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है दोस्तों। बॉलिंग में ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन है कि किसके छोड़कर किसके ले लूँ, कन्फ्यूशन हो रहा है दोस्तों। तो अगर नीचे आए तो मैटी भीलास आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं होने वाला है। डेविस भी अच्छे पिक नहीं है दोस्तों। ये जो क्रॉस है दोस्तों, ये भी आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं है। अरुंधति रेड्डी भी आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं है दोस्तों। पूजा भस्त्राकर जो है दोस्तों, ये भी उतनी अच्छी पिक नहीं होने वाला है। तो मैं सफ़ी ग्लेन की बात करें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार ग्रैंड लीग के एक पिक होने वाला है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट 8.0 है दोस्तों, इसलिए मैं जो है बैट्समैन से सर विकेट कीपर से मैं तनिया भटिया के साथ जा रहा हूँ इस वक्त। अगर कुछ चेंज आए तो वो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो ये हो गए टीम्स के बाद, टीम्स को मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो तनिया भटिया जो है दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे पिक नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। हाँ, ग्रैंड लीग में आप लोग वाइस कैप्टन के साथ बहुत ही रिस्क रहेगा, लेकिन जा सकते हो। एलन अमेजोन्स कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए शानदार एक पिक रहेगा, अगर चल गए तो आपके ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हैदर नाइट आपके लिए वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार पिक रहने वाला है दोस्तों। तो मेरा तो कैप्टन रहेगा नटले स्कवियर, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। और वाइस कैप्टन तो मेरा रहेगा ये जो हैदर नाइट है। ये आप लोग शिवाली वर्मा के साथ वाइस कैप्टन कैप्टन स्मॉल लीग में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही मजबूत है। और शिवाली वर्मा अगर जल्दी से आउट हो जाएगा तो आपके लिए हार के सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो जमीमा रोड्रिक्स है दोस्तों, इसके साथ भी आप लोग वाइस कैप्टन के रूप में जा सकते हो। कैप्टन का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। शिवाली वर्मा आपके लिए ग्रैंड लीग में कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार पिक होने वाला है। नीचे आया तो दीप्ति शर्मा आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए कैप्टन के लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो ये लगभग चार जो बॉलर है दोस्तों, ये चारों के चारों वालों वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार और अच्छे पिक होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे फॉर्म पे रहे हैं। तो आप लोग इनमें से किसी एक को वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो रिस्क रहेगा अगर विकेट नहीं मिले तो। आप लोग एक काम कर सकते हो, ये जो सर्फ सोले है और ये जो इलेस्टोन है दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हो। कल एक दो विकेट ये लोग जरूर निकाल सकते हैं। तो ये हो गए बात। इस टीम को मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखते कैसे टीम बने हैं हमारा दोस्तों। बात करें ड्रीम इलेवन की, ड्रीम इलेवन से आप लोग बहुत सारे रुपए हार गए हो, तो आपके लिए फैनमोजो एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। आईपीएल से पहले बहुत सारे रुपए अर्न कर पाओगे दोस्तों। तो टीम्स की बात करें तो विकेट कीपर दो रहेगा, भटिया और अमेजोन्स। उसके बाद बैट्समैन की बात करें तो जयमा रोड्रिक्स, शिवाली वर्मा, हैदर नाइट। उसके बाद दीप्ति शर्मा, नकली स्कवियर। बॉलर शिखा पांडे, पूनम यादव, सफिया इलेस्टोन और अन्ना सर्फसोल। जिनमें से कैप्टन रहेगा मेरा नकली स्कवियर और हैदर नाइट मेरा वाइस कैप्टन रहेगा। दिए गए टीम के बाद स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो वीडियो ही ख़त्म कर देते हैं। इन ख़त्म करने से पहले भाई का चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे पे है। अगर डेली ज़्यादा से ज़्यादा रुपये जीतना चाहते हो तो भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो।
सब्सक्राइब के साथ साथ ये जो घंटिया करके बेल आइकन आएगा दोस्तों, इसका भी दबा दो, और जो टेलीग्राम के चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मैच से पहले। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।